ये देखो लोग दर्शन करिए जाते हुए, दर्शन नहीं पर दर्शन करिए। इतना बहुत यहाँ पर धीरे धीरे हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, परंतु पसीने की दिक्कत की वजह से हम अपना चेहरा नहीं दिखा सकते। बहुत ही सुंदर गुफाएं जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे तो मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो हालांकि मूर्ति भंजन हो चुका है, फिर भी आप अच्छे से देख सकते हैं। ये देखो देवी जी भी दिख रही हैं। यहाँ की कलाकृति आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर एवं आकर्षक है, प्राचीन होने की वजह से यहाँ पर। और आपको दिखाते हैं प्राचीन शिवलिंग जो कि एलिफेंटा के गुफा में बना हुआ है। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अगर कोई ये बोल देता है यहाँ पर वीडियोग्राफी बना है तो कितना इधर होता। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बहुत ही धुंधला यहाँ मंदिर। ओ कच्चा लग रहा है, कच्चा कच्चा। बात है बचा के मेल करवा दूंगा, अपनी अपनी वाली में मेल कर दूंगा, मेरी तो मेरे से भी काम हो जाएगा ना। यहाँ से देखा तो हम लोग दूसरी तोप की तरफ बढ़ते हुए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, किताबों को भिगाने के लिए, हालांकि भीगने की भी बहुत ज़रूरत है पर इस वक्त नहीं, क्योंकि अगर बीमार हो गए शरीर गर्म है, गर्म शरीर में अगर पानी की एक भी बूंद पड़ गई पूरे शरीर कैसे कैसे कर देंगे। भाई साहब दूसरी तोप की तरह है, इस वजह से देखो दौड़ते हुए जाना पड़ रहा है। लगे हुए जिसके पास छाता उसके ऊपर बाजी है, उसमें छाता नहीं है तो जाने के लिए दौड़ रहे हैं, कुछ वापस लौटने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन दौड़ रहे हैं क्योंकि जिंदगी में दौड़ना ही है। ये देखो दौड़ते निकलने कूदते फंदे और दौड़ो तो मेरे मोबाइल में पेंट पड़े तो पेंट सड़क रहा है, इससे ज़्यादा विश्वास बढ़ा नहीं सकता। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अब हम लोग नीचे की तरफ बढ़ चुके हैं,